हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एबीपी न्यूज पर लगातार इस बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। देखिए, चीन की चालबाजियां खुलकर दुनिया के सामने आ रही हैं और उसी तरीके से खुलकर बड़ा ही स्पष्ट साफ शब्दों में संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से भी दे दिया गया है। मेरे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग। दोनों से मैं एक रिएक्शन लेना चाहती हूं। जनरल द्विवेदी, पहले आपसे समझना चाहती हूं कि जो स्पष्ट संदेश पीएम ने दिया है उससे संकेत क्या मिल रहे हैं? देखो, आजकल की ये युद्ध होता है, सिर्फ सेना नहीं लड़ती है, पूरा देश उसके पीछे होता है। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है देशवासियों को कि हमारा देश जो है वो एकजुट है और सेना के पीछे है, और जो भी सेना कार्रवाई करेगी उसको देश की पूरी उसके लिए सहायता और पूरा उसको विश्वास है। पर मैं आपको एक दो तीन बातें बताना चाहता हूँ कि चीन के बारे में, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है, मैं वहां कमांडर रह चुका हूँ और चीन में डिफेंस सेक्रेटरी रह चुका हूँ। जी, चीन एक बहुत चालबाज देश है और बहुत चालाक है। हर एक जो हरकत होती है उसके पीछे गहरी सोच होती है। ये जो अभी जो हरकत हुई है ये पीएलए की, आपको ये बताना जरूरी होगा कि पीएलए के कमांडर जो है उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, और ये जो पूरी साजिश है वो उनकी रणनीति से ये हुई है। और चीन जो है उसके लिए अक्सर चीन एरिया बहुत ही अहम एरिया है, और वो जो ये हरकत किया उसके उसके तीन मुद्दे थे। एक तो भारत को बताना कि देखो, यहाँ आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाइए, और हमें अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम इसकी कोई कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, जो गालवान का इलाका है बहुत ही अहमियत वाला इलाका है और ऐसी प्रोग्राम जो है, क्योंकि हमारा जो बीबीए रोड बनाया हमने, दारबुक बीबीए रोड, वो बिल्कुल गालवान के साथ साथ चलता है, तो वो बहुत प्लान से आए हैं, बहुत तादाद में आए हैं, और उनका बहुत सीधा लक्ष्य था कि गालवान वैली पर अपना कब्जा करना और पोगांग्सो लेक पर अपनी मजबूती जो अपनी डिफेंस मजबूत करना। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर। समय समय मेरे पास इतना ही है।